वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर कोई किसी भी प्रकार का इंजन, जैसे ऑयल इंजन है ना, या से कार का इंजन है, या से टरबाइन है, या से स्टीम इंजन है, से आपकी बाइक्स है ना, आपकी स्कूटर्स है, इनमें हम ब्रेक हॉर्स पावर BHP, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट BHP, हाउ टू कैलकुलेट BHP, ठीक है, ब्रेक पावर बोल लो आप। अब IS यूनिट चालू हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो ब्रेक पावर और ब्रेक टॉर्क ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम ब्रेक पावर और ब्रेक टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ब्रेक टॉर्क ऑफ इंजन एंड दिस इज ब्रेक पावर ऑफ इंजन, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आप लोगों ने पता नहीं कभी ऑर्डरिंग वगैरह टरबाइन की देखी है कि नहीं देखी है, तो उसमें ये उसके जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, फाउंडेशन बोल्ट में आने वाले टॉर्क को भी वो डिफाइन करते हैं कि फाउंडेशन बोल्ट पे कितना टॉर्क आ रहा है, जिससे आप टरबाइन की मैक्सिमम पावर भी निकाल सकते हो। ऑर्डरिंग की स्टेज में आपको ये बताता है कि एक फाउंडेशन बोल्ट में कभी मैक्सिमम टॉर्क, जैसे कोई फाउंडेशन बोल्ट है ना, इसका हेक्सागोनल हेड होता है, इसके बीच में से इसकी रॉड निकली होती है, तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा ये भी कोई मैन्युफैक्चरर बताता है। खैर, उससे हमको बेसिकली कोई लेना देना नहीं है, हमको ये पता रहना चाहिए कि हम कैसे ब्रेक टॉर्क ऑफ इंजन निकाल सकते हैं, है ना, और कैसे हम ब्रेक पावर ऑफ इंजन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमारी एक्सरसाइज क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक पावर, पुराने जमाने में इसको BHP बोलते थे, ब्रेक हॉर्स पावर और ब्रेक टॉर्क ऑफ इंजन, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब भी कोई गाड़ी चल रही है, से इसका ये ब्रेक ड्रम है ना, और इस पे ये ब्रेक ड्रम में ब्रेक पैड लगे हुए हैं, ये ब्रेक पैड, और ये ब्रेक पैड पे सेंसर रहते हैं कि कितना फोर्स, इसमें फुल ब्रेक मार रहे हैं अपन जिस RPM पे, से ये 1000 RPM की मशीन है, और उस पे अपन ब्रेक को दबा रहे हैं, तो यहाँ का जो फोर्स का जो सेंसर है, ये कितना लोड, लोड ऑन ब्रेक, लोड ऑन ब्रेक, से लोड ऑन ब्रेक 1000 न्यूटन है, कितना है लोड ऑन ब्रेक 1000 न्यूटन है ना, और ब्रेक की लेंथ, ब्रेक की लेंथ जो है, मींस हम जहां से लीवरेज दे रहे हैं, ऐसा मान लो हम जहां से लीवरेज दे रहे हैं वो 750 mm है, 750 mm, दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर। आपको याद रखना है दोस्तों हमेशा, है ना, SI यूनिट्स में मीटर में कन्वर्ट करना है कोई भी चीज को, MM में नहीं होता। तो ये तीन चीज हमारे पास दी हुई है, 1000 RPM है, ब्रेक पे आने वाला फोर्स 1000 न्यूटन है, और ब्रेक की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ब्रेक ये दी हुई है 0.75 मीटर, है ना। तो अब हमको सबसे पहले हम ब्रेक का टॉर्क, ब्रेक टॉर्क ये कैलकुलेट करते हैं। सो ब्रेक का टॉर्क क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू लेंथ, ठीक है, या ये बोल लो आपकी W इनटू L, है ना। अब ये जो W है, ब्रेक लोड इन न्यूटन्स, दिस W इज व्हाट, W इज इक्वल टू ब्रेक लोड
इन न्यूटन्स, ये होता है। और एल क्या होता है दोस्तों, एल इज लेंथ ऑफ आर्म इन मीटर, लेंथ ऑफ आर्म या ब्रेक आर्म बोल लो आप, लेंथ ऑफ ब्रेक आर्म इन मीटर, ठीक है। तो ये ब्रेक टॉर्क होता है। तो अब आप इसमें लगा दो कि ब्रेक टॉर्क बी टी, ब्रेक टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स 1000 इंटू 0.75 मीटर। तो ये आ गया, इसका यूनिट न्यूटन था है ना, इसका यूनिट मीटर था। सो दिस इज इक्वल टू 75, देखो 2 शून्य इसमें कट गया, 750 न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज ब्रेक टॉर्क है ना, ये आंसर आ गया पहला वाला। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर वन है ना। अब हमारे पास ब्रेक टॉर्क आ गया दोस्तों, इसके बाद अब हमको निकालना है, ये देखो ब्रेक टॉर्क निकलवा दिया मैंने है ना, अब हम निकालेंगे ये टॉर्क से, ठीक है। इस टॉर्क से अब हमको निकालना है कि ब्रेक पावर, ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60, ठीक है, ये होता है। तो अब इसमें देखो आप, 2 पाई, 2 इंटू पाई इंटू एन इंटू टी, टी इज वॉट, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल, तो इसको लिख लो डब्ल्यू इंटू एल अपॉन 60, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें आप ये वैल्यू को डालो, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू न्यू एन, एन इज आरपीएम, देखना ये न्यूटन नहीं है, दिस इज आरपीएम। आरपीएम कितना था इसका, 1000 आरपीएम था। सो दिस इज 1000, अच्छा ब्रेक पे लोड कितना था, ब्रेक पे लोड था 1000 न्यूटन का। ब्रेक आर्म की लेंथ कितनी थी, 0.75 मीटर थी। अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है, फॉर्मूले में दिया हुआ है 2 पाई एन टी अपॉन 60 या 2 पाई एन डब्ल्यू एल अपॉन 60, ठीक है दोस्तों। सो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये जो वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 7850 वाट्स, ठीक है। इस वाट्स को अगर आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 78.55 किलोवाट, ठीक है। सो दिस इज ब्रेक हॉर्स पावर या ब्रेक पावर इन एसआई यूनिट फॉर एनी इंजन। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले हमने ब्रेक टॉर्क कैलकुलेट किया, फिर ब्रेक पावर कैलकुलेट किया, 2 पाई एन टी अपॉन 60। सो दोस्तों आप देखे होंगे कि जो हमारी कार हम परचेस करने जाते हैं तो कार में टॉर्क की वैल्यू दी रहती है, इतना टॉर्क वो प्रोड्यूस कर सकती है एट पर्टिकुलर दिस मच इंजिन आरपीएम, 30,000, 10,000, 20,000, उससे आप उसका ब्रेक पावर भी निकाल सकते हो उस मशीन का। और आप टेली करोगे कि जो आप निकाल रहे हो वही आपको मिल रहा है, ठीक है। सो हमने देखा कि हम कैसे ब्रेक पावर निकाले, 78.55 निकला एक इंजन का और उसका टॉर्क निकला 750 न्यूटन इंटू मीटर। सो दोस्तों ये हमारा, मैं इसका ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक पावर ऑब्लिक टॉर्क, ये मैं इस वीडियो की हेडिंग रखूंगा दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को कुछ वीडियो बना के बताऊं। सो मेरे को ऐसा लगा कि यूजफुल वीडियो, क्योंकि हम कार खरीदने जाते हैं, हम बाइक खरीदने जाते हैं, तो वहां देता है टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दी रहती है न्यूटन इंटू मीटर की वैल्यू, लेकिन उससे पावर कितना जनरेट हो रहा है, वो कितने बीएचपी का है वो हमको नहीं पता रहता, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।